सम्राट तिबिरियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पेंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा, हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यहुन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ, हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हमें बताएं हम क्या करें? ए सांप के बच्चों, बताइए हम क्या करें? हमें बताएं हम किस मार्ग पर जाएं? अगर किसी के पास दो कमीजें हैं, वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बांटे। हे गुरु, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो। और हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए? किसी से भी जबरन धन मत लो और न किसी पर झूठा दोष लगाओ। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। हमें बताएं क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथों में है ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं।